अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट है कवायद। आपकी सिलेबस फाइल का पेज नंबर 22, मजमून है वर्जिश के फ़ायदे अहमियत। इंसान की सेहत अच्छी हो तो वो दुनिया में कामयाब ज़िंदगी बसर करता है, तरक्की करता है, हर काम जी लगा कर करता है। लेकिन जिस शख्स की सेहत अच्छी ना हो वो हमेशा बीमारी का शिकार रहता है और दुनिया का कोई काम अच्छी तरह अंजाम नहीं दे सकता। उसे कभी हकीकी मसरत और खुशी हासिल नहीं हो सकती। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सेहत और तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरह इंसान खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह मुनासिब वर्जिश के बगैर भी उस किस्म की नशोनुमा नहीं हो सकती। सेहत को कायम रखने के लिए वर्जिश ज़रूरी है। वर्जिश की ज़रूरत। वर्जिश करने से इंसान के जिस्म के अज़ा मजबूत हो जाते हैं। इंसान चुस्त, चाको चौबंद और खुश खुरम रहता है। वर्जिश से ग़ज़ा भी अच्छी तरह हज़म होकर जुज़ो बदन बनती है, वो खूब लगती है, नींद आती है और इंसान अपने काम नहायत मेहनत से अंजाम दे सकता है। इंसानी जिस्म एक मशीन। इंसान का जिस्म एक मशीन की मानिंद है। अगर मशीन के कुल पुर्जों को तेल मिलता रहे तो उनकी सफाई होती रहती है, तो मशीन खूब काम करती है। इस तरह इंसानी जिस्म के अज़ा को साफ़ और मजबूत रखने के लिए वर्जिश नहायत ज़रूरी है। वर्जिश करने से खूब पसीना आता है और जिसम हर किस्म के मैल कुचैल से पाक हो जाता है। वर्जिश ना करने का नुकसान। जो शख्स वर्जिश नहीं करता वो कायल और सुस्त रहता है, उसकी ग़ज़ा अच्छी तरह हज़म नहीं होती और वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार रहता है। वर्जिश की किस्में। वर्जिश की कई किस्में हैं। बेहतरीन वर्जिश वो है जिसमें पूरा जिसम हरकत करे, पैदल चलना, खुले मैदान में दौड़ना, तैरना, डंडा पेलना, कबड्डी खेलना, कुश्ती लड़ना बहुत उम्दा वर्जिश हैं। इस तरह मुख्तलिफ खेलों मसलन बैडमिंटन, फ़ुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल वगैरह के ज़रिए से भी खूब वर्जिश हो जाती है। पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है मज़मून वर्जिश। ये आपने इसकी अच्छी तरह से लर्निंग कर लेनी है। ये रिटर्न ऑलरेडी हुआ है।